सुपर सेंसेस, ये है हमारे सुपर सेंसेस का पार्ट वन। ये आप देख रहे हैं दीप रंजन। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। क्या ऐसा आपके साथ हुआ है कि एक ईगल आपकी रोटी उठा के ले जाए? क्या गलती से आपके हाथ से कुछ मीठा गिर जाए और उसको चींटियां कुछ ही देर में ले जाए? क्या आप एक डॉगी के पास से मूव करें और तभी वो डॉगी जग जाए? एनिमल ऑल्सो हैव डिफरेंट सुपर सेंसेस। दे कैन सी, दे कैन हेयर, दे कैन टेस्ट, दे कैन स्मेल एंड फील। सम एनिमल कैन सी देयर प्रे फ्रॉम फार अवे। सम कैन हेयर इवन द फैंटेस्ट साउंड। सम एनिमल्स कैन फाइंड देयर फ्रेंड्स बाय देयर स्मेल। द एनिमल वर्ल्ड इज फुल ऑफ एग्जाम्पल बाय अमेजिंग सेंसेस। देखिए, एनिमल्स के पास भी बहुत सारे सेंसेस होते हैं, जैसे हमारे पास होते हैं। वो सुन सकते हैं, वो देख सकते हैं, वो स्मेल कर सकते हैं, वो फील कर सकते हैं, वो और कुछ कर सकते हैं। कुछ कुछ लोग तो प्रे को बहुत दूर से ही देख सकते हैं, कुछ कुछ लोग अपने दोस्तों की मदद से भी देख सकते हैं, कुछ कुछ लोग बहुत दूर तक आवाज निकाल सकते हैं, कुछ कुछ एनिमल्स बहुत अच्छी आवाज भी निकाल सकते हैं कि जिनके उनके पास एनिमल आए। और एनिमल वर्ल्ड में फुल ऑफ एग्जाम्पल है। नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए, हाउ डिड एंट रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड। An ant was going alone on the ground. It saw a group of ant coming from other side. The first ant quickly coming from the other side came back to it. So the ant guarding the hole recognized it and let it in. एक ant देखती है कि दूसरी group भी आ रही है बगल से, तो वो क्या करती है, पहली जो ant होती है वो जाके अपने group में खड़ी हो जाती है जल्दी से और सबको ढूंढने लगती है ताकि कोई दूसरे ग्रुप से ना पाए। थिंक एंड टेल, हाउ डिड एंट नो दैट द अदर एंट्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप। देखिए, आंसर है पहले का, बाय इट्स स्मेल ऑफ सुपर सेंसेस। उनके पास स्मेल होती है सुपर सेंस की। जैसे हमारे पास कैसी किस किस की स्मेल होती है, हमारे पास भी होती है स्मेल की। कौन मदद करता है हमारी, नोज करता है उसमें, तो उनकी भी नोज ही करता है, समझे आप। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड गार्ड एंट्रोकराइज दिस एंट। तो देखिए, यहाँ पे मैं गार्ड की स्पेलिंग एक और बार आपको लिख के दिखा देता हूँ, क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे गार्ड। और अगर आपकी राइटिंग कर्सिव नहीं है तो आप इस वीडियो को ना देखें। द गार्ड एंट्रोकराइज दिस एंट बाय इट्स स्मेल। गार्ड एंट रिकोगनाइज कर लेती है इस एंट को उसकी स्मेल से, मतलब उसकी जो स्मेल होती है, उसके पास स्मेल होती है किसकी, नोज से वो अपनी स्मेल करके। अगर वो एंट एक दूसरी एंट आ गई है, सपोज दिस इज अ सेकंड एंट, दिस इज अ गार्ड एंट। अब गार्ड एंट ने पता लगा लिया कि ये एंट उसके ग्रुप से नहीं है, तो वो उस एंट को शायद से बंदी बना लेते हैं या फिर उसको छोड़ भी देते हैं कुछ कुछ एंट्स। तो देखिए, अब देखिए पहला क्वेश्चन है, नहीं यहाँ पे है, ड्रॉप कुछ गुड़ डाल दिए और जैगरी या फिर कुछ भी मीठा डाल दिए, वो जमी, वो उनको वो मीठा उठाने में कितना देर लगेगा। पहला क्वेश्चन है, उनको वहाँ पे आने में कितना देर लगेगा। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द एंड टू कम। देखिए, हमारे पार्ट वन का इंग्लिश एक्सप्लेनेशन जल्दी आएगा, वर्क बुक सॉल्यूशन हम नहीं देते हैं। ये देखिए, 15 से 20 मिनट लगेंगे एंट को आने में। सेकेंड क्वेश्चन हमारा, डिड वन एंट कम फर्स्ट और अ ग्रुप ऑफ एंट केम फर्स्ट। तो पहले एक एंट आती है, फिर उसके पीछे एक एंट का ग्रुप आ जाता है, फिर एक ग्रुप की एंट आती है। तो देखिए कैसे, तो देखिए ये एंट आई पहले, फिर इसके पीछे ग्रुप 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 आते जाएगा। वो इसलिए भेजते ताकि वो रिकॉग्नाइज कर ले कि वहां पे कोई डेंजर तो नहीं है। व्हाट डिड द एंट डू विद द फूड। वो एंट उस खाने के साथ क्या करती है। तो इसका आंसर है, वो उस फूड को कलेक्ट कर लेती है उनके बुरे समय के लिए। जैसे हम अपने फूड कलेक्ट करके एक समय रख लेते हैं कि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो आपने फूड कलेक्ट करके रख रखा है,
तो देखिए वैसे ही वो भी फूड कलेक्ट करती है। और चौथा क्वेश्चन है, वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर, वो यहाँ से टू देयर होल, वो अपने बिल की तरफ चली जाती हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्या वो लाइन में मूव करती है, तो इसका आंसर है यस दे मूव इन अ लाइन। नाउ केयरफुली विद द हार्मिंग ऑफ एंट ब्लॉक देयर पार्ट एंड फॉर अ विल विथ अ पेंसिल। देखिए अब किसी भी चींटी को आपको खरोच वरोच नहीं पहचाना है, और उसको एक पेंसिल यानी कि ऐसे रख, यहाँ पे एक चींटी है जैसे कि यहाँ पे एक चींटी, और ऐसे पेन रख करके आपको उसका रास्ता रोक लेना है, और इधर भी रोकना है इधर भी, जहाँ भी हो जाए आपको वहाँ पे रास्ता रोकना है। तो देखिए वो अगर ये हुई एक चींटी, तो वो अगर आपने यहाँ पे पेंसिल रख दी तो फिर इधर चली जाएगी, यहाँ पे रख दी तो फिर सामने की तरफ जाएगी, यहाँ फिर वहाँ पे रख दी तो वो इधर जाएगी, इधर की तरफ रख दी तो उधर जाएगी, फिर इधर की तरफ रख दी तो इधर जाएगी, वो कंफ्यूज हो जाएगी। तो इसका आंसर है इट कैन कंफ्यूज। मैनी मैनी इयर्स एगो अ साइंटिस्ट डिड मैनी एक्सपेरिमेंट लाइक दिस, ही फाउंड आउट डेट एज एंट मूव दे लीव अ स्मेल ऑन द ग्राउंड द अदर एंट फॉलो द स्मेल टू फाइंड अ वे। देखिए चींटियां क्या करती है कि वो अगर भटक जाए कभी, तो वो देखिए ये चींटी है तो ये एक छोटी सी बिंदु छोड़ के जाती है, अगर उनके बच्चे हुए जैसे कि अब उनको घर आना है फिर से, अब वो अपना रास्ता भटक गया तो वो उनको स्मेल सूंघ करके जल्दी आ, तो बेबी एंट होगी वो उसका पीछा करके आ जाएगी। नाउ कैन यू गेस व्हाई द एंट बिहेव लाइक दैट, यू कैन ब्लॉक देयर पार्ट, वो ऐसा क्यों करती है, क्योंकि उनको लगता है कि कोई आपत्ति आ गई है। और अगर मतलब कि अब देखिए जैसे कि आपके पीछे कोई आपत्ति आ जाती है तो आप किसको बुलाते हैं, अपने बड़ों को बुलाते हैं चिल्ला चिल्ला कर, तो क्या एंट भी ऐसा करती है, तो इसका आंसर है यस वो भी बुलाती है, क्योंकि आप देखोगे कि अगर आप उस एंट को मारना मत, पर अगर आपने कभी गलती से एक दो एंट को तो मारा ही होगा, तो उसके पीछे दो तीन एंट और आ जाती है, वो उनके मदर फादर हो सकते हैं शायद। सम मेल इंसेक्ट कैन रिकोगनाइज देयर फीमेल बाय देयर स्मेल, कुछ मतलब कि मेल यानी कि पुलिंग जो इंसेक्ट होते हैं वो रिकोगनाइज कर लेते हैं फीमेल को उनके स्मेल से, वही स्मेल जो उनके बच्चे के लिए यूज होता है वही स्मेल। तो देखिए नाउ कैन यू गज बाय द सॉरी हैव यू एवर बीन ट्रेवल्ड बाय मॉस्किटोज, जस्ट थिंक हाउ डे नो वेयर यू आर। देखिए तो इसका आंसर नीचे ही दिया है, मैं एक बार ट्रेवल हो गया था बहुत बार जब बारिश आई थी, यस आई हैव बीन ट्रेवल। फिर मैंने ओडोमॉस लगाते हैं हम उस दिन, या फिर हम कपड़ों पे फैब्रिक रोल ऑन लगाते हैं बाहर जाते हैं तो ऑन, या फिर हम कॉइल का यूज करते हैं, या फिर हम गुड नाइट का यूज करते हैं। देखिए मॉस्किटोज जो होती है हमारी हीट, जो हमारे पसीने निकलते हैं, अब हमें उनकी स्मेल बहुत गंदी लगती है, पर मॉस्किटोज वही स्मेल को सूंघ कर हमारे बॉडी की तरफ आ जाते हैं, फिर हमें क्या करते हैं वहां पर एक जो पिंपल जैसा होता है वो मॉस्किटोज वहां पे काटते हैं आपको अगर रात को सुबह होती है। तो यहाँ पे देखिए आई एम अ सिल्क वॉर्म, आई कैन फाइंड माई फीमेल वॉर्म फ्रॉम मैनी किलोमीटर अवे बाय हर स्मेल, मैं एक सिल्क वॉर्म हूँ, मैं अपनी मतलब कि जो मतलब कि स्त्रीलिंग वाली वॉर्म को कई किलोमीटर से सूंघकर पहचान सकता हूँ। तो इस वीडियो में बस इतना ही,
हमारा पार्ट टू से लेकर के पार्ट फोर जल्दी रिलीज होगा, तो देखते रहिए दीप रंजन। डोंट लाइक टू फॉरगेट टू सब्सक्राइब सॉरी डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक। ओके टाटा बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।